हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले पुणे का मेट्रो जर्नी। तो कल ही पुणे मेट्रो लॉन्च हुआ था और आज हम आपको एक्सपीरियंस दिखाएंगे, तो चलिए हमारे साथ। पुणे मेट्रो में टोटल 30 स्टेशन्स होने वाले हैं और उसमें दो कॉरिडोर्स है, यानी कि दो लाइन्स है, और एक लाइन है पिंपरी चिंचवड से लेके स्वारगेट तक और दूसरी लाइन है वनास से लेके रामबाड़ी तक। अभी हम हैं PCMC स्टेशन में, तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ से हमने टिकट लिए। तो हमने रिटर्न जर्नी के टिकट लिए है PCMC टू फुगेवाड़ी एंड बैक। तो रिटर्न जर्नी का प्राइस पड़ा हमें 30 रुपीज़ पर टिकट, और अगर आप अप टू 2 स्टेशन तक जा सकते हैं सिर्फ 10 रुपये में, और लास्ट स्टेशन तक जा सकते हैं सिर्फ 20 रुपये में। तो यहाँ से हम करेंगे एंट्री, तो बहुत ही आसान है। QR कोड आपको स्कैन करना है और जैसे ग्रीन लाइट लगता है आप एंटर कर सकते हो। तो रिटर्न टिकट वैलिड होती है एक दिन के लिए, यानी कि उसी दिन में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो कॉरिडोर 2 भी शुरू हो गया, यानी कि गरवारे कॉलेज से वनास तक। तो ऐसे दो कॉरिडोर्स है जो शुरू हो गए हैं। तो अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाएंगे लिफ्ट से। सो बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है पुणे मेट्रो का। ये टोटल 11,420 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये टोटल 31.25 किलोमीटर्स का पुणे मेट्रो है। तो फेज़ 1 में है 16.58 किलोमीटर का कॉरिडोर 1, यानी कि पिंपरी चिंचवड से लेके स्वारगेट तक। वहाँ पे आते हैं 14 स्टेशंस और 14.66 किलोमीटर का कॉरिडोर 2 है, जो कि आता है वनास से रामबाड़ी तक, और उसमें आते हैं 16 स्टेशंस। तो अभी हम प्लेटफॉर्म पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे ट्रेन हर आधे घंटे में आएंगे, तो अभी 20 मिनट है तो ट्रेन के लिए हम रुके हैं। बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे पुणे मेट्रो का। ट्रेन्स का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, और ट्रेन का फ्रीक्वेंसी है हर 30 मिनट में एक ट्रेन आपको मिल जाएगी। सिर्फ फुल्ली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स को अलाउड है पुणे मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए। 6 मार्च को ही पुणे मेट्रो का इनॉग्रेशन हुआ और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये इनॉग्रेशन किया था। आप देख सकते हैं हर प्लेटफॉर्म पर आपको सिक्योरिटी गार्ड्स देखने को मिलेंगे, और ये है येलो लाइन, तो आपको येलो लाइन पार नहीं करनी है। और आप स्टेयरकेस से भी आ सकते हैं, एस्केलेटर से भी आ सकते हैं प्लेटफॉर्म पे, और लिफ्ट से भी आ सकते हैं। तो अभी हम फर्स्ट कॉरिडोर से ट्रैवल करने वाले, यानी कि PCMC स्टेशन से ट्रैवल करने वाले टू फुगेवाड़ी तक। तो यहाँ पे आएंगे टोटल 4 स्टेशंस। तो PCMC के बाद आएगा संत तुकाराम नगर, और उसके बाद भोसरी, कासरवाड़ी और फिर फुगेवाड़ी। और जब आप गरवारे कॉलेज से वनास तक जाते हैं तब आपको मिलेंगे गरवारे कॉलेज, नर्स स्टॉप, आइडियल कॉलोनी, आनंद नगर और वनाज। तो ये सारे स्टेशंस अभी एक्टिव है। तो अभी ये ट्रेन फुगेवाड़ी से आ रही है। सो ये ट्रेन में फ़िलहाल 3 कोचेस है और हर कोच 6.5% लाइटर है कन्वेंशनल स्टेनलेस स्टील कोचेस से। तो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है और ऐसी पहली ट्रेन है ये पुणे में जो कि लाइटवेट कोचेस यूज़ करती है। तो फुगेवाड़ी से जो ट्रेन आती है वो आगे जाके ट्रैक चेंज करके रिवर्स होके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी। तो चलिए हमारी ट्रेन आ गई है और अभी हम एंटर करते हैं पुणे मेट्रो में। बहुत ही एक्साइटेड हैं हम।
तो एंटर करते ही आपको बहुत ही ठंडक मिलती है क्योंकि पूरी पुणे मेट्रो ट्रेन एयर कंडीशन है। यहाँ पे सीटिंग एरिया और स्टैंडिंग एरिया भी है। अभी हम बैठ गए, कंफर्टेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्प्लेस भी है। इस तरह से आपको समझ जाएगा कि आप कौन से स्टेशन पे हो और या फिर अगला स्टेशन कौन सा है। तो बहुत ही आसान है यहाँ से ट्रैवल करना। तो अभी पुणे मेट्रो ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने वाली है। तो ट्रेन में जगह जगह पर सीटिंग एरिया के पास आपको ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स दिखेंगे। तो आपको इस तरह से कैप ओपन करना है और आप आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप और डिवाइस चार्ज कर सकते हो। तो हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन यानी कि फुगेवाड़ी, जो कि है लास्ट स्टेशन इस कॉरिडोर का, वो आ गया है। तो ये ग्रीन लाइट्स लग जाते हैं और डोर ओपन होते हैं, तभी हमें बाहर जा सकते हैं। तो ये है फुगेवाड़ी स्टेशन। तो चलिए एग्ज़िट करते हैं।
तो एग्ज़िट करते टाइम भी आपको टिकट स्कैन करना पड़ता है, तो आपको टिकट संभाल के रखना है। तो इस तरह से आपको टिकट का जो क्यूआर कोड है वो स्कैन करके एग्ज़िट करना है। तो ये है फुगेवाड़ी मेट्रो स्टेशन का आउटसाइड व्यू। सो इस तरह से फुगेवाड़ी मेट्रो स्टेशन दिखता है बाहर से। तो हमने रिटर्न जर्नी का टिकट निकाला था, तो रिटर्न जर्नी के लिए फिर से आपको एंट्री करना पड़ता है। सो स्कैन करके हम एंट्री करेंगे। सो इन एस्केलेटर्स की मदद से हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। आप मेट्रो में से बाहर का व्यू बहुत ही एन्जॉय कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कितना क्लियर दिखता है बाहर का व्यू। बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी रहा है हमारा। हालांकि मैंने दिल्ली में, मुंबई में मेट्रो का सफ़र किया है, और पुणे का मेट्रो सफ़र भी बहुत ही बढ़िया था। पुणे में इंडिया के सबसे ज़्यादा टू व्हीलर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, मगर पुणे मेट्रो से आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। आप ऑफिस जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, स्कूल भी जा सकते हैं, और बहुत ही आसान है मेट्रो से ट्रैवल करना। तो हमने हमारा जर्नी स्टार्ट किया था पीसीएमसी स्टेशन से, और हम फिर से पीसीएमसी स्टेशन आ गए हैं। तो हमारा जर्नी कंप्लीट हुआ है। तो सब लोग जा रहे हैं, ये लास्ट स्टॉप है। तो ट्रेन में इस तरह से इमरजेंसी एग्जिट डोर्स भी है। तो बहुत ही मज़ा आया पुणे मेट्रो में सफ़र करके। बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी थी हमारी। तो आप भी ट्रैवल कीजिए पुणे मेट्रो से, और आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में।
तो दोस्तों आशा करते कि आपने भी हमारे साथ पुणे मेट्रो का सफ़र किया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए आपके फैमिली और दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए, ताकि आपको सारे नए वीडियो के अपडेट्स मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।